आज हम लोग जानेंगे टेस्ट, मतलब जो अपराध के लिए टेस्ट किया जाता है, जैसे कि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट, ये सब जो किया जाता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट इसमें सबसे पहले देखते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में इसको और भी नाम से इसको जानते हैं, जैसे कि लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर या झूठ पकड़ यंत्र के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें अपराधी का या व्यक्ति का हार्ट बीट, फिजिकल एक्टिविटी नोट किया जाता है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी नोट किया जाता है, जैसे हार्ट बीट, सांस, पसीने, नाड़ी, ये सब नोट किया जाता है। पॉलीग्राफ यंत्र का अगर इतिहास देखें तो ये 1921 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की गई थी, और जो खोज करने वाले थे वो थे जॉन अगस्तस लार्सन। इन्होंने पॉलीग्राफ यंत्र का खोज किया था। अब आगे बढ़ते हैं नार्को टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें एक इंजेक्शन लगाई जाती है, एक दवा की इंजेक्शन लगाई जाती है, वो दवा का नाम है सोडियम पेंटोथल। ध्यान दीजिएगा इसका नाम में, सोडियम पेंटोथल। इससे उस व्यक्ति का जिसको ये दिया जाता है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग चलते रहता है। इस इंजेक्शन से वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, यानी कि वो सोचने समझने की क्षमता खो देता है, लेकिन उसका जो दिमाग हो तो चलता ही रहता है। इसमें जरा से भी लापरवाही हुई तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। इंजेक्शन देने के बाद उस व्यक्ति से सवाल किए जाते हैं, और इस टेस्ट के बाद ज़्यादातर अपराधी सच कबूल कर लेते हैं। तो ये था हमारा नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में अंतर।